हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो न्यूमेरिकल जो सीरीज है स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। और ये जो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं, है ना। और मैंने बहुत सी वीडियो मैथ्स के बनाए हैं, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए, वहाँ से वीडियो मिल जाएंगे। ग्रामर के वीडियो भी इंग्लिश के मिल जाएंगे, तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा। एक बार आप जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारी चीज़ें मौजूद है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स से उनको शेयर करिए, है ना। ज़्यादा शेयर होगा तो मैं कोशिश करूँगा, है ना। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाते हैं, अगर सब्सक्राइबर 10,000 प्लस हो जाते हैं तो मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका जुलाई 2019 में पूछा गया था और मार्च 2022 में भी पूछा गया था, यानी टू टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीडियम इस 1.5 मल्टीप्लाई 10^8, है ना। 10^8 पावर दिया है मीटर पर सेकेंड में। ये जो दे दिया है स्पीड ऑफ लाइट दिया है, किस में, एक मीडियम में दे दिया है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को बोला है, ठीक है। ये अपने को फाइंड करना है, यानी कि अपने को क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ठीक है। तो हेयर हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या दिया भाई आपको। सबसे पहले दिया स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम जो है यहां पे दिया है, तो कितना दिया दिख रहा है आपको, मीडियम में दिया हुआ है। यानी मीडियम जो रहेगा आपका वो सेकंड रहेगा, है ना। वेलोसिटी v2 रहेगा आपका, ये याद रखना आपको। कितना दे दिया 1.5 10^8 मीटर पर सेकेंड दिया। दूसरा क्या दे दिया आपको, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम दिया है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये लिख दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये कितना दिया 3/10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड दे दिया। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है इसको लिख दिया। और ये जो रहेगा आपका V जो रहेगा, ये जो रहेगा आपका क्या रहेगा, वैक्यूम है तो V1 हो गया, ये V2 रहेगा, ठीक है। वैक्यूम से किस में जा रहा है ना, रेरर से डेंसर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर कोई मीडियम है मान के चलो, और लाइट यहाँ से हो रही है, इंसिडेंट कर रही है, यहाँ से आ रही है और इसके अंदर जा रही है ना। इसके अंदर जब जाएगी तो जाहिर सी बात है जो ये रेरर से डेंसर की तरफ जा रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड मीडियम, ओके। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आपको मालूम है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम करना है, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने को ये मालूम करना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों बोलते हैं, एब्सोल्यूट क्यों लगाते हैं, जब वैक्यूम की बात होती है तो एब्सोल्यूट लगा देते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले, क्लियर। तो अपने को मालूम करना है तो वही लिख दो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स, ओके। यानी कि अपने को क्या मालूम करना है, अपने को एन मालूम करना है, ठीक है। क्या मालूम करना था, एन मालूम करना था। तो भाई मुझे ये बता दो कितना दिया है, वी वन अपॉन वी, है ना। तो क्या आएगा फॉर्मूला, वी वन अपॉन वी टू आएगा, ये आपका फॉर्मूला है, वी वन अपॉन वी टू, ठीक है। देखो हमेशा V1 को पहले लिखोगे, V2 को बाद में लिखोगे, है ना। तो किसके, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सॉरी ये आएगा 1.5, है ना। तो ये क्या दिया 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और सेकेंड वाला क्या दिया 1.5 और 10 की पावर 8। तो भाई ये दोनों कैंसिल हो गया, है ना। 1.5 का डबल कितना होता है, 3 होता है ना, 1.5 का डबल 3 होता है ना, तो आ गया 2। तो यही आपका आंसर है, ये आ गया 2। तो बस यही करना था, कितना आसान था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखिए, है ना, जब फर्स्ट से सेकंड की तरफ इंटर करेगा तो हमेशा फर्स्ट को ऊपर लिखोगे, सेकंड को नीचे लिखोगे, याद रखिए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ पर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसलिए फर्स्ट को हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलो ये क्वेश्चन दिया, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार दे दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है ना, इसलिए मैंने लिया एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है और वैल्यू थोड़ा चेंज किया है, इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, तो इसको भी आपको करना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिया 1.9, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एन कितना है हमारे पास, तो एन हमारे पास दिया 1.36 दिया है। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ये मालूम करना है आपको, और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम कितना दे दिया आपके पास, वैक्यूम यहाँ पे दे दिया आपका 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया और ये दूसरा हो गया, इसको अगर चाहो तो आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं, मैं ऐसा कर देता हूँ। ओके, ठीक है, इसको ले लेता हूँ V2 और इसको ले लेता हूँ V1। क्लियर हो गया, वैक्यूम को हमने फर्स्ट में ले लिया और उसको सेकंड में ले लिया। यहाँ आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका है, वाटर, वाटर विथ रिस्पेक्ट, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, वाटर का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम। ठीक है, ये लिख दिया आपने, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा, V1/V2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप, है ना, किस पर रिस्पेक्ट, किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो वैक्यूम को कहाँ लिखोगे, V1 को आपको ऊपर लिखना है और V2 को नीचे लिखना है। अब वैल्यू पुट करो, n कितना है हमारे पास, n देखो 1.36, तो हमने लिख दिया 1.36, और V1 कितना हमारे पास 3×10⁸, और यहाँ पे डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड कितना दिया V2। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर V2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, V2 ऊपर ले लिया आपने, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 3×10⁸ डिवाइड बाय 1.36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा मैं, ये पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर 100 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, 136 है। 100 क्यों आया, नीचे से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ऊपर क्या लगेगा, 100 लगेगा। क्लियर, अगर 1 डिजिट रहता पॉइंट के बाद तो ऊपर क्या लगता, 10 लगता, अगर 3 डिजिट रहता तो क्या लगता, 1000 लगता। क्लियर, अब इसको सॉल्व करो, 4 से डिवाइड किए तो 25 आ गया। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे 25 हो गया, 4×3 = 12 हो गया, 4×4 = 16 हो गया, कितना आ गया, 34। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 25×75, तो यह हो गया आपका 25×75/38। आगे डिवाइड करो, 36 से डिवाइड करो, 36 2 होता है। ठीक है, रिमेनिंग कितना है, 7, यहाँ 0 लगाओगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 36 2 कितना हो गया, 72, 36 आया क्या, 34 है ना, सॉरी 34 है ना, 34 2 कितना हो गया, 68 हो गया, 68 है ना, 75 में से आप 68 माइनस कर दो, कितना आ गया, 7 आ गया, है ना, कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7 आ गया, तो यहाँ पे आगे 0 लगाओगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 पड़े थे तो 2 लिखा हमने। अब फिर से पढ़ो, 34 2 कितना हो गया, फिर से आ गया, कितना आ गया, 68, 70 में से 68 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 2 आ गया, कितने टाइम्स पढ़े, 2 times, तो ये आ गया 2 times। ठीक है, अब 2 आ गया यानी 20 आगे, 0 से डिवाइड, 34 से डिवाइड ही हो रहा है तो उतना छोड़ दो, तो ये क्या हो गया, 20। ठीक है, 20 हो गया, ये 10⁻ जो रहेगा 8 meters per second, ये आपका आंसर हुआ। बट आपके बुक में क्या दिया हुआ है, इसको 21 किया हुआ है, अप्रोक्सीमेट आंसर लिया है ना, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ रहा है, 2.20 आ रहा है।
बट क्वेश्चन अगर बुक एग्जाम में कुछ आ जाता है, बाहर से क्वेश्चन आ जाता है और आपका जो भी आंसर आता है तो आपको वही लिखना है, ठीक है। जो भी मेरा अगर आंसर यही आता है, अगर बुक में नहीं देता तो मैं यही आंसर लिखता, समझ में आ रहा बात। बट बुक में दिया है 21 दिया, इसलिए हम लोग यहाँ पे 21 लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आता है वो लिख देना बिंदास्त होके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 21, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, क्लियर। कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया, एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लेना ये पॉइंट पे, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये फिर देखते हैं कैसे करना है। देखो क्या दिया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2, 4/3 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये अपने को फाइंड करना है। देखो एब्सोल्यूट बोला है, इसका मतलब है कहां से लाइट आ रही है। ये लाइट जो आ रही है ये आ रही है वैक्यूम से, और किसमें इंटर कर रही है, ग्लास के अंदर इंटर कर रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से बोला है। और फिर ये भी बोला है कि एक जगह जब ग्लास में कर रही है तो उसका रेशियो क्या बन रहा है, 3/2 आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब वाटर में इंटर कर रही है तो 4/3 आ रहा है, दो रेशियो बन रहा है। इसको लिखते कैसे इसको देखना, पहली बात आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, इसका मतलब है कहां से आ रहा है, एयर से, वैक्यूम से आ रहा है, यानी V1 क्या होगा, V1 क्या होगा अपना वैक्यूम होगा ना। तो हम लोग लिखेंगे हेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका है, ग्लास ना, ग्लास, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो हम लोग क्या लिख सकते बोलो, हमारा क्या आएगा, ये हो गया n, सिर्फ n लिखो। चलो ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ। यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो आप वैक्यूम है ना, तो वैक्यूम को आप यहाँ पे लिख दो, ये आ गया आपका वैक्यूम, ठीक है। और नीचे क्या है भाई, ग्लास है, तो यहाँ पे लिख दो ग्लास, क्लियर हो गया। चलो अब सेकंड वाला दिया है, इसको नंबर वन दे दो आप, और यहाँ पे भी ब्लैक से ही लिख देता हूँ। अब इसकी वैल्यू जो दी है उसकी वैल्यू भी पुट कर दो ना, काम करो इसकी वैल्यू कितनी दी थी, वैल्यू मैं लिख देता हूँ। वैल्यू कितनी दी है भाई, वैल्यू कितना दिया था पहला 3/2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 3/2 लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3/2। अब सेकंड वाला देखो क्या दिया है, किसके रिस्पेक्ट में दे रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, यहाँ पे ग्लास के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। पहला ग्लास हो गया, सॉरी वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना, यहाँ पे दिया ना वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, यहां पर बताओ, तो मैं यहां पे लिखूंगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैक्यूम, ठीक है, अपॉन वाटर, ठीक है, ये हो गया आपका। अब मुझे बताओ कि 3/2 दिया है, इसकी वैल्यू ये दी है, इसकी वैल्यू ये दी है, तो कैसे करोगे। और पहला वाला यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मगर आपने ये पॉइंट दे दिया तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, आपने ये पॉइंट दे दिया और यहाँ पे चाहो तो आगे पीछे लिख सकते थे, बट ये पॉइंट दे दिया तो उतना टेंशन नहीं अपने को, आगे बढ़ते। चलो इसको हमने क्या दिया नंबर, यहाँ पर क्या वैल्यू दिए थे, यहाँ पर वैल्यू दी थी अपने को 4/3, और इसको हमने नंबर दे दिया 2, ये नंबर 2 हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ये किसके रिस्पेक्ट में बात हुआ, फिर से मैं बता देता हूं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम है ना, यहां पे ग्लास और वैक्यूम की बात हो रही है, तो वैक्यूम हमेशा ऊपर रहेगा, ग्लास नीचे हो गया, फिर वैक्यूम ऊपर, और फिर यहां पे वाटर नीचे हो गया आपका, ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड देखो डिवाइड अगर मैं कर दूं, मुझे लाना क्या है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विथ वाटर लाना है हम लोग, क्या लाना है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर ऊपर आएगा, ग्लास नीचे आएगा,
ठीक है, ये लाना ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा, वाटर, यानी वाटर कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, ग्लास नीचे रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ये वाला इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट वाले को डिवाइड कर दोगे सेकेंड से, लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो। क्यों करोगे, क्योंकि अपने को W कहाँ लाना है, ऊपर लाना है, और ग्लास जो है नीचे लाना है, यानी कि वाटर अपने को ऊपर लाना था, इसकी वजह से करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका वैक्यूम अपॉन VG हो गया, ठीक है, ये ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पे V वैक्यूम हो गया डिवाइड बाय PW, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 3/2, तो यहाँ पे लिखोगे 3/2, और यहाँ पे 4/3 है, तो यहाँ पे लिखोगे 4/3 लिख दिया आपने, क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद एक रूल इस्तेमाल करने वाले हम लोग, क्या इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इस रूल का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हम लोग। अब बचपन में देखे होंगे, अगर ए अपॉन बी तो डी अपॉन सी रहता था, तो हम लोग क्या लिखते थे, ऊपर वाले को ए अपॉन बी लिख देते थे, फिर नीचे वाले को सी अपॉन डी कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे करेंगे, ए अपॉन बी, यानी कि ऊपर वाले को पहले लिख लेंगे, जैसे ये लिखा गया था यहाँ पर, तो लिख लेंगे वी अपॉन जो रहेगा अपॉन वी जी, ठीक है, ये लिख दिया। फिर नीचे वाला पलट के ऊपर चले जाएगा, यानी नीचे का जो सबसे ऊपर रहेगा ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर ये वी डब्ल्यू ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू हो गया, ओके, और नीचे V वैक्यूम हो गया, 3/2 वैसे लिखोगे, और नीचे 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। हमने क्या किया, पलट दिया, बस नीचे का ऊपर कर दिया, इसको पलट देने का आपको, तो हमने यही किया, पलट दिया, इसको सेम वापस ऐसे लिख दिया, इसको पलट के ऊपर लिख दिया, क्या हटाया हमने, ये डिवाइड का साइन हटाया, तो इसके जगह पे क्या लिखा, मल्टीप्लाई का साइन, और जैसे मल्टीप्लाई का साइन किया कि ये नीचे वाला ऊपर चले गया, क्लियर हो गया। अब कैंसिल करो जो कैंसिल हो सकता है, देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या आया, तो यहां पे क्या बचा, VW बचा, VW बचा, और VG बचा, ठीक है, और यहां क्या बचा, 3/3 का मल्टीप्लाई 9 हो गया, और 4/2 8 हो गया, ठीक है, 4/2 8 हो गया, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ठीक है, बस यही अपने को फाइंड करना था, यही आपका फाइनल आंसर है, तो हमने हासिल कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है।